Hello students, today's topic is types of computed tomography. First, that is spiral CT scan. It is also known as helical CT scan. And this helical CT scan is used in third generation or fourth generation computed tomography. This spiral CT scan, a helical computed tomography, in which the source and detector travel along a helical path. आप यहाँ देख रहे होंगे जो आपकी एक्सरे ट्यूब और जो आपके डिटेक्टर हैं वो हेलिकल पाथ में ट्रेवल कर रहे, रोटेट कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है हेलिकल और स्पाइरल सीटी स्कैन। दिस स्पाइरल सीटी स्कैन क्यों यूज किया जाता है? इट कैन बी अचीव इम्प्रूव इमेज रेजुलेशन फॉर ए गिवन रेडिएशन डोज एंड कंपेयर टू द इंडिविजुअल स्लाइस एक्विजिशन। मीन्स मतलब जो आपका ये सीटी स्कैन है, स्पाइरल सीटी स्कैन है, इसमें आपकी जो एक्सरे और जो डिटेक्टर हैं, ये आपके हेलिकल पाथ में रोटेट करते हैं और हेलिकल पाथ में रोटेट करने के बाद इसमें जो स्पाइरल सीटी स्कैन में जो इमेज बनती है वो अच्छी इमेज बनती है, हाई रेजोल्यूशन इमेज बनती है और हमें जो एक्सरे डोज जो है वो भी रिड्यूस डोज में हम डोज यूज कर सकते हैं। अब जो हेलिकल या स्पाइरल सीटी स्कैन में है, इसमें हम एक स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो हमारे पहले जो सीटी स्कैन यूज किए जाते हैं, जो हमारे पहले सीटी स्कैन यूज किए जाते थे, उनमें हमारे जो एक्सरे ट्यूब है हर एक रोटेशन के बाद एक पॉज आता है। मतलब हर एक रोटेशन के बाद जो हमारी एक्सरे ट्यूब है वो पॉज होती है, पर इन जो ये स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करते हैं उसमें वो पॉज नहीं होता। जो हमारे कन्वेंशनल सीटी स्कैन, देयर वाज अ पॉज बिटवीन दी ईच गैंड्री रोटेशन। जो ये गैंड्री है इसके रोटेशन में जो आपकी जो एक्सरे ट्यूब है एक रोटेशन के बाद पॉज रहता था। बट इन हेलिकल सीटी स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इज यूज व्हेन अलाउ कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ गैंड्री विदाउट इंटरप्शन। मीन्स आपकी जो ये रोटेशन जो आपकी एक्सरे ट्यूब और गैंड्री जो है वो कंटिन्यूअस मूव करेगी इन स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी में। इस जो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें हमारी थ्री रिंग्स यूज की जाती है। फर्स्ट रिंग का काम क्या है? इट प्रोवाइड हाई वोल्टेज पावर टू एक्सरे ट्यूब। एंड सेकंड रिंग का काम क्या है? इट प्रोवाइड लो वोल्टेज टू कंट्रोल सिस्टम ऑन रोटेशन गैंड्री। एंड थर्ड स्लिप रिंग, इट ट्रांसफर डिजिटल डाटा फ्रॉम रोटेटिंग डिटेक्टर एरे। जो इसमें स्लिप रिंग का यूज किया जाता है, इनका काम क्या है? पहले का काम क्या है? जो हाई वोल्टेज है वो एक्सरे ट्यूब को रोटेट करने का काम करती है। सेकंड, जो गैंड्री में रोटेशन है कंटिन्यूअस रोटेशन बना रहे। थर्ड, और जो डाटा हमारे पास आ रहा है, डाटा कलेक्ट हो रहा है, वो डाटा कलेक्ट करना डाटा कलेक्ट होता रहे। ये आपका स्पाइरल सीटी स्कैन है जो आपका थर्ड और फोर्थ जनरेशन में यूज किया जाता है। इस सीटी स्कैन में आपका जो है इसमें डिटेक्टर और रिंग बोथ इट ट्रेवल इन हेलिकल पाथ में और डेटा एक्विजिशन आपका रेडिएशन डोज को मेंटेन रखता है ये। और ये आजकल की जो थर्ड फोर्थ जनरेशन में जो हम कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज करते हैं वो हम ये हेलिकल और स्पाइरल सीटी स्कैन यूज कर रहे हैं। इसमें स्लिप रिंग का यूज होता है। स्लिप रिंग का काम क्या है? वो आपके हाई वोल्टेज पावर टू एक्सरे ट्यूब के लिए मूवमेंट करती है। सेकंड का काम क्या है? कंट्रोल सिस्टम और रोटेशन गैंड्री। एंड थर्ड का है डिजिटल डाटा जो इकट्ठा हो रहा है डिटेक्टर से उसको मेंटेन रखती है। अब नेक्स्ट इज मल्टीपल डिटेक्टर सीटी स्कैन। मल्टीपल डिटेक्टर सीटी स्कैन से मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो मल्टीपल डिटेक्टर सीटी स्कैन है उसमें टू डायमेंशनल हम डिटेक्टर्स यूज करते हैं। इन जो और इस मल्टीपल डिटेक्टर कंप्यूटर टोमोग्राफी का यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और इसमें जो हम डिटेक्टर्स यूज करते हैं, वी आर यूजिंग टू डायमेंशनल डिटेक्टर्स। और हमारे जो दूसरे जो कंप्यूटर जो स्पाइरल कंप्यूटर टोमोग्राफी है इसमें हम जो डिटेक्टर्स यूज किए जाते थे उनमें हम लीनियर डिटेक्टर्स यूज करते थे। और इसमें हम मल्टीपल डिटेक्टर में हम टू डायमेंशनल डिटेक्टर यूज करते हैं। और ये टू डायमेंशनल डिटेक्टर्स जो होते हैं एरे परमिट सीटी स्कैनिंग टू एक्वायर मल्टीपल स्लाइस और सेक्शन एंड ग्रेट इंक्रीज द स्पीड ऑफ सीटी इमेज एक्विजिशन। ये जो आपकी जो इमेज बनती है उसके उसकी जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव रखती है करते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूल सोर्स कंप्यूटर टोमोग्राफी। ड्यूल सोर्स कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम क्या करते हैं? टू एक्सरे ट्यूब्स का यूज करते हैं। एक
फर्स्ट एंड सेकंड टू एक्सरे ट्यूब का यूज करते हैं, और हम क्यों यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस टू इमेज, जो इमेज हम बना रहे हैं दो एक्सरे सोर्स, एक लो वोल्टेज पे हमारी जो एक्सरे ट्यूब लो वोल्टेज में इमेज बना रही है, एंड सेकेंड इज हाई वोल्टेज एक्सरे बीम पे हमारी इमेज फॉर्म हो रही है। ड्यूल एनर्जी सोर्स, सॉरी, इसमें जो हमारा ड्यूल सोर्स सिटी स्कैन है, इसमें दो हमारे जो एक्सरे ट्यूब यूज की जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इमेज। एंड ड्यूल एनर्जी सिटी स्कैन, ड्यूल एनर्जी सिटी स्कैन में हमारी दो एक्सरे ट्यूब जो हैं, दे हैव पावरफुल एक्सरे, एक में जो पावरफुल एक्सरे होगी, एक में ज्यादा पावरफुल एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होगी। इससे हमारे पास दो इमेज बनेंगे, एक पावरफुल एक्सरे रेडिएशन से और एक थोड़ा लेस पावरफुल एक्सरे रेडिएशन से। इसलिए इसे बोला जाता है ड्यूल एनर्जी, मीन्स जो हमारी एक्सरे की जो एनर्जी है वो वेरी करती है, एक में हाई एक्सरे एनर्जी एक्सरे पावरफुल एक्सरे यूज की जाती है, सेकेंड में थोड़ा लेस पावरफुल एक्सरे यूज की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इमेज। फॉर एग्जाम्पल 80 किलो वोल्ट, दिस इज प्रोड्यूस 80 किलो वोल्ट एनर्जी आर यूज, एंड दिस इज 140 किलो वोल्ट एनर्जी आर यूज। पोर्टेबल सिटी स्कैन के बारे में आपको पता ही है, पोर्टेबल का मतलब है कि आप जिसे एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर कर सके। दिस ये पोर्टेबल जो कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है, इट इज ए मल्टी डिपार्टमेंटल इमेजिंग सॉल्यूशन है, मींस हम एक इसे हम जो है दिस सिटी स्कैन को ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूम टू रूम, मतलब हम एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये कंप्यूटर दिस पोर्टेबल कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है, इसमें हमारा इमेज फॉर्म गुड क्वालिटी इमेज और फॉर्म, एंड द लास्ट इज रेडिएशन डोज इन सिटी स्कैन। अब इसमें क्या है आपका कि कितना डोज जो है, कितना डोज हमें जो पेशेंट है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, कितना डोज रिक्वायर है टू फॉर्म द इमेज, एक पैरामीटर डिसाइड किए जाते हैं कितना हमें डोज जो एक्सरे का डोज हमें यूज करना है। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सरे, दैट इज पोर्टेबल, ड्यूल एनर्जी, ड्यूल सोर्स, मल्टीपल स्लाइस, मल्टीपल डिटेक्टर्स आल्सो डिटेक्टर कंप्यूटर टोमोग्राफी आल्सो नोन एज मल्टीपल स्लाइस कंप्यूटर टोमोग्राफी भी बोलते हैं। एंड आपको इसमें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता है कि स्लिप रिंग जो होती है वो क्या काम कैसे करती है। जैसे हमारी जो कन्वेंशनल कंप्यूटर टोमोग्राफी में हमारी जो एक्सरे जो ट्यूब है वो जो रोटेट करती है, एक हर रोटेशन के बाद पॉज रहता है, पॉज होने से, और इसमें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी से हमारा वो पॉज नहीं होता, इससे इमेज क्लियर इमेज बनती है अच्छे से। हमारे पास जो आपकी स्लाइस जो है, जो आपकी इमेज इकट्ठी कलेक्ट हो रही है, डाटा अच्छे से कलेक्ट होता है स्पेरिकल। Then, इसी के साथ आज का जो ये लेक्चर है टाइप्स ऑफ सिटी स्कैन एंड होता है। थैंक यू।